समाजवादी पार्टी कह रहे कि योगी की सरकार में जो है जात बिरादरी देखकर कार्रवाई हो रही है, प्रशासन जो है जो मुकदमात हैं जो लिखे जा रहे हैं वो जो दलित हैं, बैकवर्ड हैं, जो अल्पसंख्यक हैं जो है उन्हीं के खिलाफ लिखे जा रहे हैं, और उन्हीं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश जी, गोपालपुर से मुसलमान ही क्यों लड़ाते हैं? उनको कोई हिंदू नहीं मिलता लड़ाने के लिए? वो जाति और बिरादरी की बात करेंगे? जो सिर्फ जाति की राजनीति ही करते हैं वो जात बिरादरी कैसे बात कर सकते हैं? उनके लिए यादव और मुसलमान के अलावा तो कोई अन्य हिंदुस्तानी व्यक्ति है ही नहीं। वो गोपालपुर से नफीस अहमद को लेकर लड़ा देते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के जनपद आजमगढ़ के ग्राम बिजरवा में, और हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिलरियागंज ब्लाक प्रमुख और बीजेपी नेता रमेश यादव जी। ग्राम बिजरवा जो इनका पैतृक गांव है, आज गांव के कुछ ग्रामीण आप सुशील सिंह हैं, सुशील सिंह हैं जिनके आवास पर कुछ ग्रामीण इकट्ठा हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज मन की बात थी, और उन्होंने देश को क्या संदेश दिया, समाज को क्या संदेश दिया, क्या संदेश दिया उन्होंने, और जनता के लिए आपका क्या संदेश है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में आज हमें गांव के बूथ पे सुनना था इस कार्यक्रम को। हम लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई अखिलेश सिंह जी और यहाँ के पूर्व प्रधान भाई महेंद्र सिंह जी, सुशील सिंह जी, अमित सिंह, तमाम हमारे साथी यहाँ थे, जिनके साथ हमने बैठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुना, और उससे काफ़ी कुछ जानकारियाँ इस देश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने विचार के द्वारा शेयर किया है। जैसे उन्होंने कहा कि इनोवेशन का हब हिंदुस्तान बन रहा है, और हिंदुस्तान की रैंकिंग 40वीं है, और फिट इंडिया के बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने अपने विचार रखे कि यह आने वाला कल युवाओं का है, और फिट इंडिया की फिटनेस के हिसाब से एक स्वस्थ भारत के मन की बात के द्वारा यह हुआ कि स्वस्थ भारत ही विकसित भारत बनाने में अपना हम योगदान करेगा, और इसका लाभ आने वाली युवा पीढ़ी को मिलेगा इस विकसित भारत का, जो 2047 में लक्ष्य है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत एक विकासशील से विकासशील से विकसित भारत की तरफ अग्रणी भूमिका निभा रहा है, और तमाम तरह की बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शेयर किया है जिससे हम सभी लोगों ने सुना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के बारे में भी चर्चा किया कि राम मंदिर बनने से नए गाने लॉन्च हुए हैं, नया उत्साह लोगों में हुआ है, प्रभु श्री राम का मंदिर, आशा और विकास, ये दोनों के साथ एक विकसित भारत को आगे ले जाने में काम करेगा, और नए साल की शुभकामना भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 24 का चुनाव भी आ रहा है, विपक्ष जो है बहुत सारे मुद्दों को लेकर जो है, चाहे वो विकसित भारत का मुद्दा हो या फिर जो है विश्व गुरु भारत बनाने का मामला हो, और बहुत सारी जो जो जन समस्याएं हैं उनको उठा रहा है, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, विपक्ष का काम है वो विपक्ष करेगा। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष की आवश्यकता होती है, और विपक्ष आदरणीय मोदी जी के बनाए हुए रास्ते में सहयोग करे, इस देश को उन्नत की तरफ ले जाए। आने वाले 2024 में हम विपक्ष से भी उम्मीद करते हैं कि वो सकारात्मक भूमिका निभाते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना सहयोग करे। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 80 हराओ, भाजपा हराओ जो है, तो 80 का नारा उन्होंने दिया है, तो इसको लेकर क्या कहना है? आदरणीय अखिलेश जी, 80 में से 15 तो अपने परिवार को लड़ाएंगे, और बाकी के लिए कांग्रेस पार्टी है, दूसरे दल हैं जिनसे वो गठबंधन कर रहे हैं,
तो 80 पे बात कहां करने के लिए उनके पास है? तो पीडीए की बात करते हैं, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, क्या बात करते हैं इसके बारे में वही जान सकते हैं। एक दिन पिछड़ा दलित अलायंस की बात करते हैं और अगले ही दिन इंडिया की बात करते हैं, तो वो अभी स्थिर नहीं है कि वो किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, देश को किधर ले जाना चाहते हैं। इन लोगों की दशा और दिशा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो ऐसे में जो बीजेपी जो है क्या क्या कर रही है 2024 को चुनाव को लेकर, किसकी बात कर रही है? उधर पीडीए है, एनडीए है, इंडिया महागठबंधन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए गरीब ही मूल जाति है, एक गरीब है जिसको हम मूल धारा में ले आना चाहते हैं, और उसके लिए लगातार इन 10 वर्षों में गरीबी का स्तर, गरीबों की संख्या कम हुई है और गरीबों का जीवन स्तर काफी बेहतर हुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में रोज के कार्यक्रम में आप देखते होंगे कि गांव के हर व्यक्ति से जुड़ना सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो गांव के लोगों को समस्याओं को स्थलीय स्तर पर देखे और उसका सुझाव दे, जिससे हमारी सरकारें उसके लिए बेहतर योजनाएं जो कहीं से छूटी हुई हैं वो लेके आती रहें। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि विकसित भारत बीजेपी नारा दे रही है, लेकिन लोकतंत्र जो खत्म हो रहा है। लोकतंत्र की बात वो कैसे कर सकते हैं जो परिवार तंत्र के भरोसे में जीते हैं? ये लोकतंत्र कहाँ है? ये परिवार को लेके चलने वाली पार्टियां लोकतंत्र की बात कहां से करती हैं? लोकतंत्र में सबको सबकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कभी ऐसा प्रयास हुआ है? समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुना गया क्या? अगर अखिलेश जी का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता हो, डिंपल जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नेता बनाई जाती हो, शिवपाल जी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नेता बनते हो, तो वो लोकतंत्र की बात कर सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी की सरकार में जो है जात बिरादरी देखकर कार्रवाई हो रही है, प्रशासन जो है जो मुकदमात हैं जो लिखे जा रहे हैं वो जो दलित हैं, बैकवर्ड हैं, जो अल्पसंख्यक हैं जो है उन्हीं के खिलाफ लिखे जा रहे हैं, और उन्हीं के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और निशाना बनाया जा रहा है। अखिलेश जी गोपालपुर से मुसलमान ही क्यों लड़ाते हैं? उनको कोई हिंदू नहीं मिलता लड़ाने के लिए? वो जाति और बिरादरी की बात करेंगे जो सिर्फ जाति की राजनीति ही करते हैं, वो जात बिरादरी कैसे बात कर सकते हैं? उनके लिए यादव और मुसलमान के अलावा तो कोई अन्य हिंदुस्तानी व्यक्ति है ही नहीं। वो गोपालपुर से नफीस अहमद को लेकर लड़ा देते हैं। अरे भाई, यहां कहीं किसी मुसलमान को लड़ा दिए होते? अगर मुसलमान ही लड़ाना था तो गोपालपुर के किसी मुसलमान को लड़ाते हैं, ऐसा नहीं करते। तो अखिलेश जी जात बिरादरी मजहब में ही सब कुछ देखते हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो समावेशी विकास चाहती है, सभी लोगों का विकास चाहती है। न जाति देखी जाती है, न मजहब देखा जाता है। इसके पहले भी मैंने आपसे बात करते हुए बताया था कि भारत सरकार की योजनाएं हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो, उन्होंने कभी जाति देख करके कोई योजना लॉन्च नहीं किया, ना ही कोई मजहब देख के लॉन्च किया है। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि यहाँ की जो सड़कें बनी हैं वो दलित बस्तियों के साथ भी गुजरी हैं, माइनॉरिटीज के जो गांव हैं उनके अंदर भी गुजरी हैं, कहीं कोई भेदभाव अगर आपको दिखा हो। ये सड़क जो आपकी बिलरियागंज से रोना पार के लिए बन रही है, तो ये करमैनी के लोग नहीं जाएंगे, कि चांदपट्टी के लोग नहीं जाएंगे, कि नथुपट्टी नेवादा के लोग नहीं जाएंगे, कि रसूलपुर के लोग मुसलमान नहीं जाएंगे, कि सलेमपुर के लोग नहीं जाएंगे, कि उधर के यादव बेल्ट के लोग नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं किया। इससे पहले भी सरकारें रही हैं लगातार 15-20 सालों से ये सड़क टूटी हुई थी, लेकिन इसके पहले भी सरकारें कांग्रेस बसपा और सपा की रही हैं। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये भी आरोप लगा रही बीजेपी पर, योगी जी की सरकार पर, कि एक विशेष वर्ग की तानाशाही और उनका जो है उनकी गुंडागर्दी जो है बढ़ती जा रही है, जो है ये वो लोग हैं जिन्होंने यही किया है। तो अपने बारे में जो जानता है वो दूसरों को भी उसी नजरिए से देखता है। ये वर्ग विशेष के लोग ही तांडव मचाए हुए थे जिससे उनकी सरकार चली गई, और अब वो लोग तांडव मचा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए कोई जगह है नहीं। कहीं किसी भी वर्ग विशेष की आप बात करते हो, कोई एक जगह बता दो मुझे, आजमगढ़ में बता दो आप, कि कहीं जाति विशेष के लोगों ने किसी के साथ जबरदस्ती की हो। अगर आपको दिख रहा हो तो आप पत्रकार हो, आप मुझे बता दो कि नहीं फला की जमीन कब्जा कर लिया, फला का घर कब्जा कर लिया, फला का रास्ता खोद दिया, या फला के साथ कहीं जबरदस्ती छीनैती कर लिया, डकैती कर लिया। कुछ भी जाति विशेष की बात करने के लिए प्रमाण चाहिए ना, कैसे होता है ये, खाली कहने से हो जाएगा? ये थे बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख और बीजेपी नेता
रमेश यादव जी जो खबरों नजर चैनल से बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी आजमगढ़। ताजा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।